हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस से निष्कासित प्रवक्ता जिशान हैदर ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटाने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका के सचिव संदीप सिंह पर यहां पर भी सवाल उठाए गए चिट्ठी के माध्यम से। हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी की भी। आपको बता दें कि पिछले दिनों सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिस राज्यों में चुनाव में हार हुई थी कांग्रेस की, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया था, जिसके बाद ये जिशान हैदर जो कि यूपी प्रभारी पद से हटाने की मांग कर रहे हैं प्रियंका गांधी को। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। प्रियंका के सचिव संदीप सिंह पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर, हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी की भी होनी चाहिए, इस चिट्ठी में लिखा गया है। तो कांग्रेस से निष्कासित प्रवक्ता जिशान हैदर ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष की जितनी जिम्मेदारी बनती है उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ पर प्रदेश प्रभारी की भी होती है, ये उनका कहना है, और हटाने की मांग उन्होंने की है।